दसवीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन होगा। कॉपियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा और मार्च में शुरू होने वाले एग्जाम्स की कॉपियों की जिला स्तर पर समन्वयक संस्था कॉपियों का मूल्यांकन करेगी और बताया जा रहा है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा नंबर। यूपी बोर्ड ने लगातार तीसरे साल कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को 70% सिलेबस पढ़ाने का फैसला लिया है। यूपी बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किए गए सिलेबस में सभी विषयों में 30% की कटौती बरकरार रखी है। सत्र 2022 और 23 में जानकारों के मुताबिक कोरोना के चलते 2 साल से नियमित पढ़ाई नहीं होने के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से छात्र दबाव में है। इस साल बोर्ड परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा और मूल्यांकन के चलते करीब 2 महीने तक स्कूल में पढ़ाई प्रभावित रही। इस वर्ष भी 70% पाठ्यक्रम का उद्देश्य 2 वर्ष बाद स्कूल लौटने वाले बच्चों को अच्छा वातावरण और सर्वांगीण विकास प्रदान करना है। यूपी बोर्ड इस साल से 9वीं और 10वीं की लिखित परीक्षा नए पैटर्न पर कराने जा रहा है। इस बार सत्र में 5 मासिक परीक्षाएं होंगी, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 2 परीक्षण वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होंगे। यूपी के सभी छात्रों को प्रमोट करने को लेकर आदेश जारी हो चुका है। जो छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे उनको 2023 में प्रमोट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP ने यूपी बोर्ड क्लास 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2022 की तारीख साफ कर दी है। वह कैंडिडेट जो इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की सुधार या पूरक परीक्षा दे रहे हैं वह परीक्षा में एक बार फिर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी पा सकते हैं। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का आयोजन 27 अगस्त 2022 के दिन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।